नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में। जो जांच एजेंसियां हैं उनको एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है, और वो ऐसा सबूत है कि जिससे कि इस केस के जो बहुत बड़े जो राज हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। और उस पर काम चल रहा है, उस पर जो जांच एजेंसियों के पास जो सबूत हाथ आया है उस पर उन लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ विस्तार से इसके बारे में। कल शाम से ही जांच एजेंसियाँ कंटिन्यू एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा हमें लग रहा था कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं चल रही है, कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। और कल जो अपडेट्स आया उसमें एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसको सुन करके आपको भी लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। जांच एजेंसियों ने उस एरिया का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे 4 कंपनियों के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उस घर के आसपास के पूरे इलाके के, जिसमें कि मुंबई का जो सरकारी है वहाँ पे शायद MTNL है, उसके बाद एयरटेल है, और भी 2 और प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके बारे में नाम पूरी तरीके से मुझे भी नहीं पता है। इन 4 कंपनियों के जो उस दौरान पूरे 1 महीने का जो भी वहाँ पे सुशांत सिंह के जो IP एड्रेस से जो उनके घर का जो इंटरनेट कनेक्शन था, वाईफाई कनेक्शन, उससे किन किन लोगों ने अपने डिवाइस कनेक्ट किए थे और उसके बाद उस डिवाइस से कहाँ कहाँ बातचीत हुआ है, कहाँ कहाँ ईमेल गया है, और बहुत सारे कॉल्स जो हुए हैं वो व्हाट्सएप कॉल्स हुए हैं, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप कॉल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। परंतु कुछ ऐसे टेक्निक आए हैं जिससे ये पता चल चुका है कि उसी IP एड्रेस है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो IP एड्रेस था वाईफाई का, उसी IP एड्रेस को कनेक्ट करके, वाईफाई कनेक्ट करके, और उससे बहुत सारे कॉल्स किए गए हैं। और उस कॉल्स को करने में जो 5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, मैं अभी उन 5 का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ जाइए कि वो 5 नाम कौन हो सकते हैं जो वहाँ पर लगातार रहते थे, सुशांत सिंह के घर में रहते थे और उनके फ्लैटमेट थे। इन सब लोगों ने कनेक्ट करके और उस रात से कंटिन्यू बहुत लोगों के संपर्क में थे और सारे कॉल व्हाट्सएप कॉल थे। ये सारी बातें अब आ चुकी है एजेंसी के पास और एजेंसी लगातार इस पे काम कर रही है। और एजेंसी के पास ये सूचना जैसे ही आई है हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे कि पूरे विश्व की नज़र है, पूरे देश की नज़र है, सरकारों की नज़र है, कोर्ट कचहरी की नज़र है, बॉलीवुड के माफियाओं की नज़र है। और बड़ा खुलासा ये जैसे ही हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, हर कोई अपने बचाव के लिए फिर से प्रयास करने लगा है और ये चाह रहे हैं कि अब ये डाटा को कैसे उड़ा दिया जाए या कैसे करके जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे सब लोग बात करने के फिराक में लगे हुए हैं। परंतु एजेंसी ने सर्विस प्रोवाइडर के सारे ऑफिसर्स को भी ट्रैक पे रखा है, तो ये बड़ा ही बड़ा मामला ये निकल करके सामने आया है। और जिस तरीके से ये काम चल रहा है एजेंसियों का, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि एक ऐसा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जिसकी की हत्या कर दी गई, उससे उसकी हत्या में जितने लोग शामिल हैं वो बच नहीं सकते हैं, वो जल्दी ही गिरफ्तार किए जाएंगे और फांसी पे लटकाए जाएंगे। तो इसलिए इस मामले में जो एक लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है, सब मिल चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, सब कुछ, अब कोई अपडेट नहीं है, कहीं कोई बातचीत नहीं है, लेकिन आज की जो ये बात है उससे ये पता चलता है कि कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं है, हर कोई अपने काम को कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, हर चीज़ को बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया जाए। ये मैं शुरू से कहता हूँ कि जांच एजेंसी अपना काम अपने तरीके से करती हैं, और वो जब सरकार जाएंगी कोर्ट में जिस दिन चार्जशीट लेकर के, उस दिन हम देखेंगे कि देखिए उनका क्या काम था, 1 साल में उन्होंने कितना काम किया है। और मेरा तो उम्मीद है कि इस चार्जशीट में इस बार बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, बॉलीवुड में तहलका मचने वाला है, क्योंकि जो 5 नाम हैं वो तो कंफर्म है कि वो 5 नाम आने ही वाले हैं, परंतु सूचना के अनुसार बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल किए जाएंगे। तो हमें इस पर लगातार नज़र बनाए रखना है और हमें लगातार अपनी आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहना है,
क्योंकि हमें इंसाफ की लड़ाई को जीतनी है और इस जीतने में हम सबको मिल कर के लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमें यह पता है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हम इस इंसाफ की लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।